नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी समेत तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेता भले ही रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक साथ काम करते दिखे, तो लेकिन इनके बीच मतभेद एक बार फिर से सामने आए। पंजाब के बठिंडा में रविवार 10 मार्च को नेताओं ने आंदोलन के तहत दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अलग अलग ट्रेनों को बाधित किया, लेकिन एकता की कमी का हवाला देते हुए नेता एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते नजर आए। इसी तरह का नजारा उस वक्त भी देखने को मिला था जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया। हालांकि इस आंदोलन का अलग अलग हिस्सों में ट्रेनों के टाइम टेबल पर असर पड़ा, और लेकिन सार्वजनिक संबोधन में एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीतिक के नेता एक दूसरे पर प्रहार करने से पीछे नहीं हटे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के नेताओं ने कहा कि रेल रोको के समर्थन सामने आए। 5 यूनियनों को एसकेएम गैर राजनीतिक नेताओं जगजीत सिंह दल्लेवाल और किसान मजदूर एकता मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पंडेर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। बीकेयू उग्राहा गुट के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी काला ने कहा कि 4 अन्य यूनियनों के संयुक्त रूप से 10 जिलों में रेलवे लाइनों को 4 घंटे के लिए अवरुद्ध किया गया, लेकिन जब तक उनके नेता एक मंच पर नहीं आते वे किसी तरह से हरियाणा की सीमा पर आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि कल भारत के 6 राज्यों में रेल नाकाबंदी देखी गई, यह हमारा सबसे बड़ा सफल कार्यक्रम था। जहां तक भविष्य की रणनीति का सवाल है, हम एक बैठक करेंगे और उस बैठक में दोनों मंचों की ओर से रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से कल किसानों द्वारा लगातार अपनी मांगों को रखते हुए रेल रोको आंदोलन का शुरुआत जो किया गया था, कहीं ना कहीं देखना होगा आने वाले समय में किसान अब अगला कदम क्या उठाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।